हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्लीपिंग विथ माय स्टूडेंट मूवी को, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी। ये एक बहुत अच्छी सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है। तो चलिए फटाफट मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरू होते ही हमें जून और फिलिक्स नाम के एक कपल को दिखाया जाता है, जो कि एक कार के अंदर होते हैं और साथ में उन दोनों का एक छोटा बच्चा भी होता है। जून और फिलिक्स कार के अंदर झगड़ रहे होते हैं क्योंकि जून को फिलिक्स के अफेयर के बारे में पता चल गया था। जून एक साइको औरत थी, इसलिए वो कहती है कि अगर हम साथ जी नहीं सकते हैं तो साथ मर तो सकते हैं। और ये कहकर जून कार की स्टीयरिंग को मोड़ देती है, जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में जून और उसका बच्चा तो बच जाता है, लेकिन फिलिक्स की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 17 साल की बाद की कहानी दिखाई जाती है। हमें एक होटल में एक कैथी नाम की लेडी को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी क्योंकि उसके टीचर से प्रिंसिपल में प्रमोशन हो गई थी। तभी कैथी की एक दोस्त जिसका नाम मेगन होता है, वो कैथी से कहती है कि तुम्हें किसी को डेट करना चाहिए, क्योंकि कैथी अपने हस्बैंड से कुछ टाइम के लिए अलग हुई है। तभी अचानक रूम की एसी खराब हो जाती है। एसी को ठीक करने के लिए यान नाम का एक लड़का वहां पर आता है। यान वहां पर आके उस एसी को ठीक करके वहां से चला जाता है। उसी रात कैथी पूल साइड में स्विमिंग करने के लिए आती है और यान भी वहां पर आता है। दोनों पूल के अंदर जाते हैं और यान कैथी से फ्लर्ट करने लगता है। फिर यान और कैथी रूम में जाकर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन इंटीमेट होने से पहले यान अपने फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है, जिससे कि सब कुछ जो उन दोनों के बीच होता है वो सब मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। अगली सुबह जब कैथी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि यान वहां से जा चुका है। उसी दिन चेकआउट के वक्त होटल का मैनेजर एसी की प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों से माफी मांगता है। तभी वो लोग कहते हैं कि यान ने आकर एसी को ठीक कर दिया था। ये सुनकर अचानक मैनेजर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि यान कौन है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता। फिर कैथी और उसके दोस्त होटल से चेकआउट कर लेते हैं। फिर हमें यान को दिखाया जाता है, जो एक लड़के को होटल का यूनिफॉर्म और ड्रग्स देता है। यहाँ यान के पास कैथी की बेटी की एक फोटो भी होती है, यानी कि यान का इसके पीछे कोई ना कोई प्लान तो जरूर है, जो कि हमें आगे पता चलने वाला है। इसके बाद यान अपने स्टेप डैड से मिलता है, जो कि एक ड्रग डीलर है। यहाँ पे उसकी मॉम भी होती है, और उसकी मॉम कोई और नहीं, मूवी की शुरुआत में दिखाए गए कार एक्सीडेंट में जो लेडी होती है वही उसकी मॉम होती है, यानी कि यान जून का ही बेटा है। फिर हमें कैथी की बेटी ब्री को दिखाया जाता है, जिसका स्कूल में पहला दिन होता है, और वो जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल की प्रिंसिपल उसकी माँ ही होती है, और उसी स्कूल में यान भी पढ़ता है। फिर ब्री अपने क्लास में जाती है और यान भी उसके पास में बैठकर उससे बातें करने लगता है, लेकिन कैथी को अब तक ये बात पता ही नहीं है कि यान उसी के स्कूल में पढ़ता है। क्लास खत्म होने के बाद ब्री से मिलने के लिए गीना नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ आती है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि गीना और यान पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन अब उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अब भी गीना यान को पाना चाहती है। फिर उन सब में बातें होने लगती है। फिर वहां पर गीना की दोस्त का बॉयफ्रेंड ब्री का मजाक उड़ाने लगता है, और तभी यान वहां पर आकर उसका मुंह बंद कर आता है, और उसी वक्त यान कैथी को सामने से आता देख वो वहां से चला जाता है, ताकि कैथी को उसके बारे में कुछ पता ना चले। अब धीरे धीरे ब्री को भी यान का साथ पसंद आने लगा था। एक बार जब कैथी अपने टीचर के साथ क्लास में बात कर रही होती है, तभी वो अचानक अपनी बेटी को यान के साथ देखती है, और वो देखते ही पूरी तरह से शॉक हो जाती है। फिर कैथी अपने सेक्रेटरी और गार्ड से यान के बारे में पूछती है, जो उसे ये बताते हैं कि यान सही लड़का नहीं है और उसे कई बार स्कूल से भी निकाला गया है। ये सुनकर कैथी को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। तभी वो अचानक खिड़की के बाहर ब्री और यान को साथ में देखती है। फिर वो ब्री के पास जाकर उसे कार के अंदर जाने को कहती है, और कार के अंदर जाने के बाद वो उसे यान से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन क्योंकि यान ब्री से बहुत अच्छा बिहेव करता था, इसलिए ब्री ऐसा करने से मना कर देती है। फिर इसके बाद यान अपने घर पे अपनी माँ को कैथी का फोटो दिखाकर कहता है कि वो उससे बदला जरूर लेगा। दरअसल मूवी की शुरुआत में तो जून और फिलिक्स का झगड़ा हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि फिलिक्स का कैथी के साथ अफेयर चल रहा था, और इसके बारे में जून को पता चल चुका था, और अब यान उस एक्सीडेंट का दोषी कैथी को मानता है, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता है। दूसरी ओर कैथी का हस्बैंड उसके घर आता है और उससे बातें करने लगता है, और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि कैथी ने अपने हस्बैंड को उसके और फिलिक्स के अफेयर के बारे में बता दिया था, और इसी वजह से वो दोनों कुछ समय के लिए अलग हुए थे। फिर ब्री वहां पर आती है और उसका हस्बैंड उसे लंच कराने के लिए बाहर लेकर जाता है। यान भी उसके घर पर नजर रख रहा था, और वो भी ब्री के कार के पीछे चल देता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में ब्री से मिलता है और बातें करने लगता है। तभी उन दोनों को बातें करते ब्री के डैड देख लेते हैं। इसके बाद जब वो लोग रेस्टोरेंट से घर पर आते हैं
तब बेन जो कि कैथी का हस्बैंड है वो यान के बारे में कैथी को बताता है। ये सुनकर कैथी और ज्यादा परेशान होने लगती है और वो अपने दोस्त मेगन से मिलकर यान के बारे में बताती है। इसके बाद दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उसी रात कैथी स्कूल जाती है और यान के लॉकर में एक चाकू रख देती है। अगले ही दिन कैथी सबका लॉकर चेक करवाती है और यान के लॉकर से चाकू निकलता है और इसी वजह से कैथी उसे स्कूल से निकाल देती है। ये सब देखकर यान समझ जाता है कि ये कैथी का ही प्लान है, इसलिए वो कैथी के कैबिन में आकर उसे MMS दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और पैसे मांगता है, लेकिन कैथी उसे पैसे देने से मना कर देती है और फिर यान गुस्से से वहां से चला जाता है। स्कूल से निकलते वक्त गीना उसे देखती है और उसके पीछे चल देती है। यान बहुत गुस्से में था इसलिए वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने घर आकर अपने स्टेप डैड को ही चाकू से मार देता है। फिर वो अपने माँ के पास जाता है और उन्हें यहाँ से निकलने के बारे में बताता है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ब्री बेन की बेटी नहीं है, बल्कि ब्री का जन्म फिलिक्स और कैथी के अफेयर की वजह से हुआ था, यानी कि ब्री यान की बहन है। यहाँ पर दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी घर पर गीना आ जाती है और गीना यान से अपने दिल की बात कहती है। तभी गीना को यान के स्टेप डैड की तड़पने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद यान गीना को डराता और धमकाता है और उसे वहां से भगा देता है। फिर वो अपने घर आकर अपने स्टेप डैड को बेसबॉल बैट से पीट पीट कर मार देता है। इधर जब कैथी ब्री को ये बताती है कि उसने यान को स्कूल से निकाल दिया है तो ब्री बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो कैथी से नाराज भी हो जाती है। अगले दिन यान स्कूल आता है और ब्री को चुपके से अपने साथ ले जाता है। जब यान ब्री को ले जा रहा होता है तब गीना उन दोनों को देख लेती है और यान उसे चुप रहने को कहता है। थोड़ी देर बाद जब कैथी को पता चलता है कि ब्री अपने क्लास में नहीं है तो वो सब लोगों से पूछताछ करने लगती है। तब गीना कैथी से कहती है कि यान ब्री को कहीं ले गया है। ये सुनकर कैथी को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगता है। फिर कैथी ब्री के फोन पर कॉल करती है जो कि यान उठाता है। फिर वो कैथी से ब्री के बदले में पैसे मांगता है। फिर यान ब्री को अपने डैड और उसके मॉम के अफेयर के बारे में बताता है और उसे वो ये बात भी कहता है कि वो उसकी सिस्टर है। इसके बाद कैथी अपने दोस्त मेगन के साथ पैसे लेकर यान के बताए हुए जगह पर पहुंचती है। फिर कैथी वहां पर यान से मिलकर उसे पैसे देती है और यहाँ कैथी को ये पता चलता है कि यान आखिरकार ये सब क्यों कर रहा था और यान कोई और नहीं बल्कि फिलिक्स का ही बेटा है। ये जानकर कैथी यान को उस समय की सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है और ये भी बताती है कि उस वक्त हालात कैसे थे, लेकिन यान कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। और यान का प्लान होता है कि वो कैथी से पैसे लेकर ब्री और अपनी माँ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। यहाँ पर कैथी ब्री के सामने कन्फेस भी करती है कि वो यान के साथ इंटीमेट हुई थी। ये जानकर ब्री को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इसी तरह से तीनों के बीच कुछ देर तक बातें होने लगती है। और फिर अचानक यान गन निकालकर कैथी को मारने ही वाला होता है, तभी कैथी खुद को और अपनी बेटी को बचाने के लिए यान को लेकर उस बिल्डिंग से कूद जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से यान की उसी वक्त मौत हो जाती है, पर कैथी बच जाती है और उसे बस थोड़ी सी चोट आती है। हॉस्पिटल ले जाने से पहले कैथी अपनी बेटी ब्री से माफी मांगती है और ब्री भी उसे माफ कर देती है। यान की मौत की वजह से उसकी माँ को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है और वो पागलों जैसी हो जाती है। लास्ट सीन में हमें ब्री बेन और कैथी को साथ में दिखाया जाता है जो कि सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आप सभी को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहूंगा, फिर मिलेंगे।